मिर्जापुर में लोगों को सफाई और सेहत के प्रति जागरूक करने के लिए 13 सितंबर को आयुष्मान भव योजना लॉन्च की गई। योजना को सफल बनाने के लिए डीएम ने अधिकारियों को बैठक में जरूरी निर्देश दिए। बता दें कि आयुष्मान भव योजना के तहत जिले में 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक तमाम ब्लॉकों और स्वास्थ्य केंद्रों में 5 तरह के कार्यक्रम होंगे। जो लोग आयुष्मान योजना के लाभार्थी हैं लेकिन उन्होंने अभी तक कार्ड नहीं बनवाया है, उनको आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराने के साथ पूरे जिले में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। सरकार ने जो जन सामान्य में शासन द्वारा उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको जागरूकता बढ़ाने के लिए आयुष्मान भव कार्यक्रम 13 सितंबर को लॉन्च किया गया है। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत 5 तरह के जो कार्यक्रम हैं वो चलाए जाएंगे, जिसमें आयुष्मान 3.0, आयुष्मान सभा, आयुष्मान ग्राम और ये स्वच्छता पखवाड़ा है। इसके अतिरिक्त भी सभी गाँव में स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत रक्तदान शिविर, अंगदान शपथ और सफाई कार्यक्रम ये सब चलाए जाएंगे। इसका उद्देश्य है कि जन सामान्य में स्वच्छता और स्वास्थ्य दोनों के प्रति जागरूकता जो है प्रचार प्रसार करना, और जो लोग आयुष्मान के लाभार्थी हैं परंतु उन्होंने आयुष्मान कार्ड नहीं बनाया है उन सभी को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध करवाकर समस्त जनपद को संतृप्त करना, और ताकि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जो निःशुल्क चिकित्सा की सुविधा प्रत्येक परिवार को मिल रही है उसका सभी को लाभ मिल सके और लोगों में जन सामान्य में स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच और विस्तार और उपलब्धता दो।